it's going to be difficult to beat him, really difficult. I wasn't lying when I said I was my best. I do believe I brought him my best. तो जैसे कि आपने ये वीडियो देख ही लिया होगा, सो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों डेवन लैरेट अब सुपर हैवी वेट कैटेगरी का मैच कभी नहीं खेलेंगे और उनका नेक्स्ट जो है प्लान्स क्या है। बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में बताया तो था कि वो जो है अब सुपर हैवी वेट कैटेगरी नहीं खेलेंगे, बट काफ़ी लोग ने पूछा था कि क्यों, ऐसा क्या रीज़न है। सो डेवन लैरेट ने बहुत ही सिंपल तरीके में ये बताया, बिकॉज देखिए डेवन लैरेट का एज भी हो रहा है, 49 ईयर्स के हो चुके हैं वो, और उन्होंने अभी तक का अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म जो है डेवन लैरेट का वो लेके आए थे लेवान सगिनेशविली के सुपर मैच के लिए, बट नहीं चला वो भी। सो यहाँ पे फिर भी जो है डेवन लैरेट हार गए, और उन्होंने पोस्ट इंटरव्यू में ये भी कहा कि यस, मैंने मेरा आज तक का सबसे बेस्ट फॉर्म लाया था इस सुपर मैच के लिए, जितना हो सकता था, जितना पॉसिबल था, स्टेम सेल्स लिया था उन्होंने, स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थेरेपीज कराई थी। सो जितना एक हद होता है लेवल का, उन्होंने सब कुछ किया इस सुपर मैच के लिए, बट फिर भी जो है वो हार गए। ऑल दो उन्होंने फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा टक्कर दिया था उन्हें, बट बाद में जो है लेवान ने उन्हें बहुत ही ईजिली हरा दिया। सो क्या रीज़न है? सो यही रीज़न है कि वो अब सुपर हैवी वेट कैटेगरी नहीं खेलेंगे। पहला रीज़न तो ये था कि उन्होंने उनको ऐसा नहीं चाहिए कि वो सुपर हैवी वेट कैटेगरी में रहे, बट वो वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड बेस्ट पोजीशन पर रहे, उन्हें जो है बेस्ट पोजीशन पे ही रहना है हमेशा। सो इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो या तो 115 केजीज में कट डाउन करेंगे या तो 105 केजीज में। सो मेरे ख्याल से मोस्टली वो 115 केजीज में रहेंगे काफ़ी टाइम तक, और मे बी शायद उनका नेक्स्ट सुपर मैच जो है गेनाडी क्विकविनिया के साथ हो सकता है कन्फर्म, बिकॉज इस बार वो बोल रहे थे कि गेनाडी के साथ मैं सुपर मैच करूंगा ये कमिंग ईयर में। सो हमें इस साल जो है डेवन लैरेट का और एक सुपर मैच या दो सुपर मैच ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिल सकता है, वो भी 115 केजी कैटेगरी में। और डेवन ने ये भी कहा था कि यही एक उनका बेस्ट शॉट है लेवान सगिनेशविली को हराने का। अगर वो उन्हें टक्कर देते हैं या थोड़ा सा भी जो है लेवान को जो है ऐसा फील करा देते हैं कि हाँ भाई डेवन लैरेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो क्या है, उन्हें हराने में दिक्कत हो रही है, तो वो सुपर हैवी वेट कैटेगरी कंटिन्यू रखते हमेशा। उन्होंने ऐसा अपने एक इंटरव्यू में बोला था जो कि कोच रे के साथ हुआ था, बट ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर लेवान सगिनेशविली उन्हें बहुत बुरी तरीके से हराते हैं जो कि हराया लेवान ने उन्हें, तो वो जो है सुपर हैवी वेट कैटेगरी फिर कभी नहीं टच करेंगे और उनके साथ रीमैच कभी नहीं लेंगे। इवन दो लेवान सगिनेशविली ने उन्हें रीमैच के लिए भी ऑफर किया सुपर मैच वापस से करने के लिए, बट लेवान को जो है डेवन लैरेट ने मना कर दिया स्ट्रेट अवे। और यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि अब वो हमेशा के लिए सुपर हैवी वेट कैटेगरी छोड़ रहे हैं और वो 115 केजीज कैटेगरी में या तो 105 केजी कैटेगरी में वर्ल्ड के हैवी वेट चैंपियन बनेंगे। सो ये एक तरीके का गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों ही है साथ में, बिकॉज अब डेवन लैरेट सुपर हैवी वेट कैटेगरी में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, बिकॉज थोड़े से वो निराश हुए हैं अपने परफॉर्मेंस से। और एक गुड न्यूज ये इस तरीके से है कि डेवन लैरेट रिटायर नहीं हो रहे। काफी लोग को ये भी क्वेश्चन था कि क्या डेवन लैरेट रिटायरमेंट ले लेंगे आर्म रेसलिंग से? भाई अगर डेवन लैरेट रिटायरमेंट ले लेंगे तो लोग देखेंगे ही नहीं। सो डेवन लैरेट रिटायरमेंट नहीं लेंगे, वो फॉर श्योर जो है खेलेंगे वेट कट डाउन करके, बिकॉज उन्होंने ये चीज कही है कि एक हद तक जो है उनका बॉडी ग्रो हो सकता है, बिकॉज एज फैक्टर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उनका जो है एजिंग भी हो रहा है और वो हमेशा जो है एकदम ह्यूज बल्क अप नहीं रह सकते। लेवान ये लोग तो अभी काफी छोटे हैं उनसे, सो इसीलिए वो जो है कट डाउन करके अब 115 केजी या 105 केजी की कैटेगरी हमें खेलते हुए दिखेंगे। सो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट बिग एपिसोड में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Peace.